फैशन के रैंप पर चलना जितना आसान दिखता है, असल में उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। हाई हील्स और कभी अजब तो कभी गजब ड्रेसेस पहनकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे और लोगों की मौजूदगी में रैंप पर चलना बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है। जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इस बात को हमारी बॉलीवुड हसीना भी भली भांति जानती है। अक्सर आपने बॉलीवुड की ग्लैम डॉल्स को डिजाइनर्स की लेटेस्ट कलेक्शन को फैशन के रैंप पर शोकेस करते देखा होगा, लेकिन कई बार ये हसीनाएं हुई हैं रैंप पर हादसों का शिकार। कभी कपड़ों में उलझी तो कभी हाई हील्स के चक्कर में फंसी। हालांकि हर बार ये हसीनाएं गजब का कॉन्फिडेंस दिखाकर महफिल लूट ले गई। यामी गौतम। 12 स्टार यामी गौतम के लिए साल 2019 में हुए लैक्मे फैशन वीक में रैंप वॉक करना काफी जोखिम भरा साबित रहा। डिजाइनर जोड़ी गौरी और नानिका के लिए यामी शो स्टॉपर वन रैंप पर उतरी थी। पीच कलर के वन शोल्डर गाउन और हाई बूट पहने यामी वैसे बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मुश्किल तो तब हुई जब यामी ने रैंप पर चलना शुरू किया। यामी बार बार अपनी ड्रेस में उलझ रही थी और गिरते गिरते बची थी। फिर भी यामी ने अपने रैंप वॉक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खत्म की। कंगना रनौत। कंगना रनौत के लिए फिल्मी फैशन का रैंप काफी लकी साबित हुआ था। फैशन फिल्म में सुपर मॉडल बनकर ही कंगना ने स्टारडम का स्वाद चखा था, लेकिन साल 2014 में जब कंगना डिजाइनर नम्रता जोशीपुरा के लिए शो स्टॉपर बनकर रैंप पर उतरी तो अपनी गाउन की वजह से उप्स मूवमेंट का शिकार बनते बनते रह गई। कंगना का ऑफ शोल्डर गाउन उनकी हाई हील सैंडल के नीचे फंस गया था, जिसकी वजह से कंगना के साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा वैसे तो कई बार अलग अलग फैशन डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक कर चुकी है, लेकिन अपनी एक रैंप वॉक सोनाक्षी शायद ही कभी भूल पाएंगी। साल 2010 में बेंगलुरु में हुए ब्लैंडर्स प्राइड फैशन वीक में हुए एक शो के दौरान दबंग गर्ल सोनाक्षी गोल्डन ब्राउन पार्टी गाउन पहन रैंप पर उतरी थी। तभी सोनाक्षी की गाउन उनके सैंडल के नीचे फंस गई और सोनाक्षी रैंप पर मुंह के बल गिरते गिरते बची। हालांकि उसके बाद सोनाक्षी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उठी और मुस्कुराते हुए अपनी वॉक कंप्लीट की। सुष्मिता सेन। पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन और फैशन रैंप का रिश्ता काफी पुराना है। मॉडलिंग डेज से लेकर अब तक सुष्मिता दर्जनों रैंप वॉक कर चुकी है, फिर भी कई बार उन्हें भी ऐसी ही हादसे का शिकार होना पड़ा है। एक बार इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक के दौरान सुष्मिता हैवी लहंगे और डायमंड ज्वेलरी पहने वॉक कर रही थी, तब कई बार उनके लहंगे ने उन्हें परेशान किया। वहीं एक दूसरे फैशन शो के दौरान जब सुष्मिता का गाउन उनके सैंडल में फंसा तो मदद के लिए उन्हें अपनी मम्मी को बुलाना पड़ा था। पूनम ढिल्लो। अपने जमाने की खूबसूरत अदाकारा रही पूनम ढिल्लो के लिए साड़ी पहनकर रैंप वॉक करना उनकी जिंदगी के सबसे शर्मनाक पलों में से एक रहा। डिजाइनर विक्रम फडणवीस के लिए पूनम वॉक कर रही थी, तभी अचानक यूं लड़खड़ाई कि खुद को संभाल नहीं पाई थी। बाद में उन्होंने बखूबी अपनी वॉक कंप्लीट की थी। श्रीदेवी। बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जब वो रैंप पर धड़ाम गिरने से बाल बाल बची थी। साल 2010 में डिजाइनर नीता लुल्ला के लिए लॉन्ग शिमरी गाउन पहने श्रीदेवी जब रैंप पर उतरी तो उनका गाउन कई बार सैंडल के नीचे आया। बता दें बाद में श्रीदेवी ने अपने गाउन को थोड़ा सा उठाया और वॉक कंप्लीट की। सोना मोहपात्रा। सिंगर सोना मोहपात्रा के लिए साल 2013 में लैक्मे फैशन वीक के दौरान रैंप वॉक करना कड़वा अनुभव रहा था, जब अपने ब्लू कलर के गाउन में सोना यूल झी कि गिरने से बच नहीं पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग,
फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।